और विशेष रूप से कांग्रेस कहती है गरीबों के साथ बहुत अन्याय हुआ, अब हम गरीबों के साथ न्याय करेंगे, ये न्याय योजना लेकर आए। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, 55 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस देश में किसी ने किया है तो आप लोगों ने किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया है, राजीव गांधी ने किया है, नरसिम्हा राव जी ने किया है। मैं सभी प्रधानमंत्रियों के प्रति सम्मान का भाव रखता हूं, लेकिन बहनों भाई हुकूमत तो आपने की है, क्यों नहीं गरीबी दूर किया? और कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसके ऊपर आप सीधे व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं, देश को तमाशा बना दिया, आपकी जागीर समझ लिया है लोगों ने। बहनों भाइयों लोकतंत्र में ये चुनाव का एक अवसर होता है, जबकि राजनीतिक पार्टियां जो देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की काम करती हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। कहते क्या है, कहते हैं कि मैं आऊंगा हमारी सरकार बन जाएगी तो मैं राष्ट्रद्रोह का कानून समाप्त कर दूंगा और कोई काम ही नहीं बचा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि कोई भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है, भारत को तोड़ने की कोशिश करता है, क्या उसे माफ करना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं जवानों, आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत में 7.5 करोड़ लोग 2019 आते आते गंभीर गरीबी के संकट से बाहर आ चुके थे और भारत में गंभीर गरीबी के संकट से गुजरने वालों की संख्या केवल 5 करोड़ बची है। बहनों भाइयों यह मेरा आंकड़ा नहीं है, उन्हीं का आंकड़ा। कैसे कम हुई? आवास मिला, रोजगार मिला, गैस सिलेंडर मिला, घर में बिजली आई, कुछ न कुछ हुआ है। और साथ ही साथ बुनियादी ढांचों के विकास का, सड़कों के निर्माण का, पोर्ट के निर्माण का, एयरपोर्ट के निर्माण का, रेलवे स्टेशन का, रेलवे लाइंस का, यह सब सारे देश में इतनी तेजी के साथ काम चल रहा है, इस कारण हुआ है। 5 करोड़ लोग भारत में शेष बचे हैं जो गंभीर गरीबी के संकट से गुजर रहे हैं। केवल गरीबी की बात नहीं कर रहा हूं, गंभीर गरीबी के संकट से गुजर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं यदि हमारी सरकार को ऐसे ही काम करने का अवसर दिया, बहनों भाइयों भरोसा रखना 5 से लेकर 8 वर्षों के अंदर इस भारत में हम लोग ऐसे हालात पैदा करेंगे कि एक भी परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने को मजबूर नहीं रह जाएगा। बहनों भाइयों एक भी परिवार हम नहीं रहने देंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कैसे अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कोई कहता है कि चौकीदार चोर है, कोई कहता है कि चौकीदार यह प्रधानमंत्री दुर्योधन है, कोई कहता है कि आतंकवादी है। और यहां तक कि बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया कि हम प्रधानमंत्री को जेल में डालेंगे। मेरे भाइयों इस सच्चाई को किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री हो अथवा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये व्यक्ति नहीं होते हैं, संस्था होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संस्थाओं की गरिमा, संस्थाओं की प्रतिष्ठा न गिरने पाए यह सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेदारी होती है। और जब संस्थाओं की प्रतिष्ठा गिरने लगती है तो लोकतंत्र को भी कमजोर होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। और देश का लोकतंत्र यदि कमजोर होता है बहनों भाइयों तो देश को भी कमजोर होने से, टूटने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। लाइक शेयर एंड कमेंट। To subscribe this channel, please press the bell icon.